हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ चिकन स्टॉक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और काफ़ी सारी रेसिपीज़ में हमें ज़रूरत पड़ती है। इंशाल्लाह आने वाली एक आध रेसिपीज़ ऐसी होंगी जिसमें चिकन स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि यहाँ पर चिकन स्टॉक कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ चिकन बोन्स ले लिए, जिनको अच्छे से वॉश कर लेना है। कुछ भी ब्लड वगैरह नहीं रहना चाहिए, अच्छे से धो लें। और बहुत थोड़ी सी हैं, करीब ये 100 ग्राम्स रही होंगी। और यहाँ पर जो है बहुत थोड़ी सी वेजिटेबल्स, एक अनियन मैंने चॉप कर लिया रफली चॉप, 4 to 5 क्लोव्स ले लिए हैं, गार्लिक क्लोव्स यहीं पर क्लोव्स लिए हैं मैंने, 3 क्लोव्स लिए और इनको हल्का सा दरदरा कूट लिया, 4 से 5 ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि काली मिर्च लेकर कूट लिया, यहाँ पर 4 लौंग ली हैं और 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, और करीब 3 ग्लास पानी हम लेने वाले हैं जिसे मैंने पहले ही बॉयल होने रख दिया है। तो यहाँ पर पानी उबलने लगा है और ये सारा का सारा जितना भी हमने इस प्लेट में आपको दिखाया था, अनियन जिंजर गार्लिक डाला है और लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है और यहीं पर नमक वगैरह डाला है, साथ में हमने ये चिकन भी डाल दिया और इसे अच्छे से पकने देंगे। करीब 8 से 10 मिनट में इसे पकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन स्टॉक है वो अच्छे से पक गया है और अब हम इसे आँच से हटा देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। इसके पीसेस थोड़े ठंडे हो जाएंगे, इसको हम निकाल करके एक प्लेट में रख देंगे तो पीसेस भी ठंडे हो जाएंगे और इसको हम छान करके एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये चिकन हमने पीसेस निकाल कर रख दिए हैं और स्टॉक भी ठंडा हो गया, अब हम इसे छान लेंगे और स्टॉक हमारा बिल्कुल रेडी है। तो लीजिए जनाब, बड़ी आसानी से घर पर ही हमारा ये चिकन स्टॉक तैयार हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही आसान लगा होगा और आपको मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपीज़ को प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।